एक चाय दुकानदार अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने निकल पड़ा है। एक चाय दुकानदार जिसकी चाय दुकान तो चली नहीं, वो मोहब्बत की दुकान के नारों वाली न्याय यात्रा में शरीक होने निकल पड़ा है। छत्तीसगढ़ के यशवंत मणिकपुर को भरोसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शरीक होने की उसे परमिशन दे देंगे। मैंने चाय दुकान खोला था 2020 में, तो वो लॉकडाउन में बंद हो गया, तो बस उसी के लिए भाग रहा था। फिर अचानक मन में कैसे आ गया? अचानक मन में उनको देखा, वो ऐसा काम कर रहे, इतने बड़े आदमी है, तो अपने भी मन में ऐसा हुआ कि नहीं, हमको भी गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ बोलना चाहिए, ऐसे करके मुझे लगा, तो मैं चल पड़ा बस। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा में शरीक होने छत्तीसगढ़ से भी यशवंत मणिपुर पैदल निकल पड़ा है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने के लिए और राहुल गांधी का साथ मिलता है या नहीं, कब तक और कहां ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होगा, उसका तो पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ से पैदल चलकर 6 दिनों के बाद ये रांची पहुंचा है। अब वो उनकी विचार जो है सच वाली विचारधारा है और उनकी जो बातें हैं, लोगों से मिलना, गरीबों की सुनना, वो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, तो बस उनके साथ चलना है ऐसे करके। कांग्रेस से तो ऐसे जुड़ा नहीं था, बाकी उनकी जो विचारधारा है, बाकी दूसरों पार्टियों को देखा ना, तो वो उनमें कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। बस लोगों को धर्म के लिए लड़ाना, बस अपने फायदे देखना, दूसरों को बढ़ाना, अब ये जो है गरीबों के साथ चलना, उनकी हक के लिए लड़ना, किसानों के लिए बोलना, तो ये इनका मुझे अच्छा लगा। यशवंत मणिपुर राहुल गांधी को अपना आदर्श मानता है, इसलिए उनकी न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा है। अब राहुल गांधी को जो आदर्श माने उसका सपोर्ट करना कांग्रेस का भी हक बनता है, इसलिए पैदल चलने की बजाय प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने यशवंत मणिपुर को मणिपुर भेजने के लिए टिकट के साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया है। यही मोहब्बत का दुकान है और यही मोहब्बत का दुकान इसलिए है कि ये मोहब्बत को पूरे समाज में फैलाने के लिए छत्तीसगढ़ से निकल करके ये मणिपुर न्याय यात्रा में शरीक होने के लिए ये लड़का निकला है। स्वाभाविक तौर पे ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है और जब ये झारखंड में पहुंचा, भगवान बिरसा की पवित्र पावन भूमि पर जब ये कदम रखा, तो हमारा भी इसके प्रति कुछ फर्ज बनता है, कांग्रेस पार्टी का भी कुछ फर्ज बनता है। फिलहाल रांची से यशवंत मणिपुर मणिपुर के लिए निकल पड़े हैं और उसे उम्मीद है कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो पाएगा। रांची से संवाददाता करिश्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कोप। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।